इस सूरत का नाम सूरतुल मुमिन है, इसमें 85 आयतें हैं और 9 रुकुआत है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, लेकिन जमहूर उलमा फरमाते हैं कि ये भी हुरूफ मुतशाबहात में से, हुरूफ मुक़त्तआत में से है। ये अल्लाह और उनके रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। तंजीलुल किताब नाजिल करना है किताब का, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल अज़ीज़ जो ज़बरदस्त ज़ात है, अल अलीम जो जानने वाला ज़ात है, हर चीज़ से बाखबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि इस किताब का नाजिल होना या नाजिल करना ये अल्लाह की जानिब से है, किसी और की तरफ से नहीं है। ये किताब हक है, ये कुरान है अल्लाह की तरफ से, लिहाजा इस पर ईमान लाना चाहिए। तंजील बाब तफ़ील का मस्तर है, नाजिल करने को कहते अल किताब, किताब का। गाफिरी जो बख्शने वाला है, अज़म्ब गुनाह का वक़ाबिल तौबी, या अज़म्ब गुनाहों का वक़ाबिल तौबी, और जो कबूल करने वाला है तौबे का, शदीद अल-इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला है, ज़ित-तौल जो कुदरत वाला है, या एहसान करने वाला है या इनाम करने वाला है, ला इलाहा नहीं है कोई बंदगी का मुस्तहिक, इल्ला हुआ मगर वही है, इलैहिल मसीर उसी के पास जाना है सबको। वहाँ से सूरह अहकाफ तक 7 सूरतें हैं जिनके शुरू में हामीम आता है। इन सब को अलहामीम कहते हैं या हवामीम कहा जाता है। इसके बाद जितनी भी सूरतें आएंगे सूरह अहकाफ तक, उन सब की इब्तिदा में हामीम आएगा। इन 7 सूरतों को अलहामीम कहते हैं या हवामीम कहा जाता है। हज़रत इब्न मसूद रदिल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अलहामीम ये दीबाजुल कुरान है। दीबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, मुराद इससे जीनत है, यानी ये कुरान अज़ीम शान का जीनत है। और मुसायर बिन कुदाम फरमाते हैं कि इनको अरायस भी कहा जाता है, यानी दुल्हने, यानी इन 7 सूरतों को। और हज़रत इब्न अब्बास रदिल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हर चीज़ का एक मग़्ज़ और ख़ुलासा होता है। कुरान अज़ीम शान का ख़ुलासा और मग़्ज़ अलहामीम है, यानी ये 7 सूरतें हैं जिनको हवामीम भी कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रदिल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शुरू में आयतुल कुर्सी और सूरह मोमिन की पहली 3 आयतें हामिम से इलैहिल मसीर तक पढ़ ली, वो इस दिन हर बुराई और तकलीफ़ से महफूज रहेगा। अबू दाऊद तर्मिज़ी में ब इस्नाद सही हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफ़रा रदिल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत किया कि जिसने ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप किसी जहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिए फरमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर चापा मारा जाए तो तुम हामीम लायंसुरून पढ़ लेना, जिसका हाजिल लफ्ज़ हामीम के साथ ये दुआ करना है कि हमारा दुश्मन कामयाब न हो। और बाज़ रिवायत में है कि हामीम लायंसुरून बग़ैर नून के आया है, हामीम लायंसुरू, जिसका हासिल ये है कि जब तुम हामीम कहोगे तो दुश्मन कामयाब न होगा। इससे मालूम हुआ कि हामीम दुश्मन से हिफाजत का किला है। हज़रत साबित बिन बनानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हज़रत मुसैब बिन ज़ुबैर रदिल्लाह ताला अन्हु के साथ कोफे के इलाके में था। मैं एक बाग के अंदर चला गया कि 2 रकात पढ़ लूँ। मैंने नमाज से पहले हामीम अलमुमिन की आयतें इलैहिल मसीर तक पढ़ ली। अचानक देखा कि एक शख्स मेरे पीछे एक सफ़ेद खच्चर पर सवार खड़ा है, जिसके बदन पर यमनी कपड़े हैं। इस शख्स ने मुझसे कहा कि जब तुम गाफिरी ज़म्ब कहो तो इसके साथ ये दुआ करो, या गाफिरी ज़म्ब इग़फ़िरी, यानी ए गुनाहों के माफ़ करने वाले मुझे माफ़ कर दे। और जब तुम पढ़ो काबिल तौबी तो ये दुआ करो, या काबिल तौबी इक़बिल तौबती, यानी ए तौबा कबूल करने वाले मेरे तौबा को कबूल फरमा। फिर जब पढ़ो शदीद अल-इक़ाब तो ये दुआ करो, या शदीद अल-इक़ाब ला तुआक़िबनी, यानी ए सख्त इक़ाब वाले सज़ा वाले मुझे अज़ाब न दीजिए। और जब ज़ित-तौल पढ़ो तो ये पढ़ा करो, या ज़ित-तौल तुल अलैया बिखैरिन, यानी ए इनाम व एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फरमा। साबित बनानी कहते हैं यह नसीहत उससे सुनने के बाद जब मैंने उधर देखा तो वहाँ पर कोई न था। मैं इसकी तलाश में बाग के दरवाजे पर आया, लोगों से पूछा कि एक ऐसा शख्स जिसने यमनी लिबास पहना हुआ था यहाँ से गुजरा है। सब ने कहा कि हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा है। साबित बनाने की एक रिवायत में ये भी है कि लोगों का ख्याल है कि ये इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे,
इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम की सनद से नकल किया है कि एक अहल शाम में से बड़ा बारूब आदमी था और फारूक आज़म के पास आया करता था, आपके पास मजलिस में शरीक हुआ करता था। कुछ अरसे तक वो ना आया। फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से इसका हाल पूछा। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उसका हाल न पूछिए, वो तो शराब में बदमस्त रहने लगा है। और फारूक आज़म ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि ये ख़त लिखो, मिन उमर बिन खत्ताब इला फ़लान बिन फ़लान सलामुन अलैका फ़इन्नी अहमदु इलैका अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा ग़ाफिरुज़ ज़म्बि व क़ाबिलुत तौब शदीदुल इक़ाबि ذو الطول ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। इसका माना यह है कि यह ख़त मिन जानिब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से है, फ़लान इब्न फ़लान की तरफ है, तुम पर सलाम हो। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए उस अल्लाह की हम पेश करता हूँ जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तोबा कबूल करने वाला है, सख्त अज़ाब वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, इसकी सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी तरफ लौट कर जाना है। फिर हाज़रीन मजलिस से कहा कि सब मिलकर उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसके कल्ब को फेर दे और इसकी तोबा कबूल फरमाए। फारूक आज़म ने जिस कासिद के हाथ ये ख़त भेजा था उसको हिदायत कर दी थी कि यह ख़त उसको उस वक़्त न दीजिए जब तक कि वो नशे से होश में ना आए और किसी दूसरे के हवाले भी न करें। जब इसके पास हज़रत फारूक आज़म का यह ख़त पहुँचा और उसने पढ़ा तो बार बार इन कलिमात को पढ़ता रहा और गौर करता रहा कि इसमें मुझे सज़ा से डराया भी गया है और माफ़ करने का वादा भी किया है, और फिर रोने लगा और शराब खोरी से बाज आ गया तो ऐसी तोबा की पी कि फिर उस गुनाह के पास नहीं गया। गाफिर ज़म्बी तो गुनाह बख्शने वाला है, वक़ाबिल तौबी और तोबा कबूल करने वाला है, शदीद अल-अक़ाब सख्त अज़ाब देने वाला है, ज़ित-तौल तौल का माना कुदरत वाला, ज़ित-तौल कुदरत वाला या इनाम व एहसान करने वाला, ला इलाहा इल्लाहु नहीं है उसके सिवा कोई माबूद, इलैहिल मसीर उसके पास सबको लुट कर जाना है, उसके पास फेर कर जाना है यानी मर कर उसी के पास जाना है, सब हिसाब किताब वही लेगा। मा युजादिलु फी आयातिल्लाह झगड़ा नहीं करते हैं अल्लाह की आयतों में, इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग कफरु जिन्होंने कुफर किया है, फला यगुरूर का सो इश्तिबा में ना डाले आपको, धोखे में ना डाले आपको, तकल्लुबुहुम उनका चलना फिरना फिल बिलाद शहरों में, कज़्ज़बत झुठलाया है क़ब्लहुम इनसे पहले कौम नूह नूह अलैहिस्सलाम मुबारक की कौम ने वल अहज़ाब और फ़िरकों ने मिन बादिहिम उनके बाद, वहम्मत और कस्त इरादा किया कुल उम्मतिन हर फ़िरके ने बि रसूलिहिम उन अपने रसूलों का लिया खुदूहु कि उनका गिरफ्त करें, वजादलू बिल बातिल और उनके साथ बातिल के साथ बातिल के ज़रिए मुजादला करें, मखासमा करें, लड़े, लियुदहिदु बिल हक ताकि इन बातिल के ज़रिए हक को चुटलाए, हक को बातिल करें, फ़अख़ज़तहुम लेकिन फ़अख़ज़तहुम लेकिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने इन लोगों को ख़ुद पकड़ा, फ़कैफ़ कान इक़ाब तो मेरी सज़ा कैसी है। मुशरिकीन मक्का भी मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन शिर्क और कुफर के साथ साथ ये मुल्क शाम और मुल्क यमन तिजारत के लिए जाते थे। आम अरब में काबा की खिदमत की वजह से इन लोगों का बहुत अदब व एहतराम किया जाता था, इसलिए ये आम शहरों में अमन व अमान से जाया करते थे। शाम भी तिजारत के लिए जाया करते थे और यमन भी तिजारत के लिए जाया करते थे, कोई भी उनसे मज़ाहमत नहीं करता था, ना उनका काफ़िला लौटता था, ना उनका राह रुकता था, क्योंकि ये लोग काबतुल्लाह के खादिम थे, इस खिदमत की वजह से सारे अरब इनके भी अदब व एहतराम करते थे। तो कुछ मुसलमानों का सादा लौह मुसलमानों का ख्याल ये रहा कि ये कुफार है, ख़ुद ये कुफार भी ये समझते थे कि हमारे कुफर के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला हमारा गिरफ्त नहीं कर रहे हैं, हमारे कुफर के बावजूद हम अमन व अमान से रह रहे हैं, सारे लोग हमारे अदब व एहतराम करते हैं, हम जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लिहाजा अगर ये कुफर नाहक होता तो ऐसा न होता। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ये जो मुल्क शाम और मुल्क यमन की तरफ जाते रहते हैं और फिरते रहते हैं तिजारत के लिए अमन व अमान से, तो ये आपको असल में सुनाना बाकी लोगों को है, खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि आपको
यानी बाकी मुसलमानों को जो है इश्तबा में न डाले, या ख़ुद कुफार को इश्तबा में न डाले कि अगर इनका कुफर जो है ये नाहक होता और इनका कुफर जो है बुरा होता तो इन लोगों को ये फ़ायदे मैसर नहीं होते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि इनसे पहले भी बहुत बड़ी कौमें गुजरे हैं जो बड़े ताकत वाले थे, बड़े हुकूमत वाले थे, बड़े कुदरत वाले थे, वो भी काफिर थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरकार उनको हलाक किया, बर्बाद किया, तबाह किया। और उन लोगों ने अपने रसूलों के साथ बहुत मुकाबला किया, लेकिन इस मुकाबले के बावजूद भी वो लोग नाकाम रहे। तो इस तरह जो भी कुफर करेगा, चाहे पिछले कुफार थे, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कुफार थे, चाहे आजकल के कुफार है, अगरचे वो खुशहाल है, लेकिन फिर भी या तो दुनिया में भी इनको आज़ाब दिया जाएगा, या जो है आखिरत में तो अगर कोई कुफर पर माना तो उसका आज़ाब पक्की है। इसलिए किसी को इश्तबा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मायुजादिलु फी आयातिल्लाह, कि अल्लाह के आयतों में सिर्फ वही लोग झगड़ा करते हैं, इल्लल्लज़ीन कफरु, जो कुफर किए हुए है, यानी जो काफिर है, जो मुनकिर है। फला यगरुर का सो आपको इश्तबा में न डाले, खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन सुनाना बाकियों के है। तकल्लुबहुम, इन लोगों का फिरना, फिल बिलाद, शहरों में, कदबत, जुटलाया है, कबल हम इनसे पहले भी कौम नूह, नूह के कौम ने, वल अहज़ाब, और इसके अलावा बाकी कौमें ने, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन और कौम लूत, मिन बादहिम, इनके बाद, वहम्मत, और कस्ब इरादा किया, कुल उम्मतिन, हर फिरके ने, बे रसूलिहिम, अपने रसूलों के साथ, लिया खुजू, कि उनका गिरफ्त करे, उनका मुकाबला करे, वजादलु, उन्होंने झगड़ा भी किया, बिलबातिल, बातिल के ज़रिए, लियुद हिजू, ताकि दबाए भी ही इस बातिल के ज़रिए, अलहक का हक को, लेकिन फ़अख़रतुहुम, मैंने उनका गिरफ्त किया, उन कुफार का, फ़कैफ़ काना इक़ाब, सो कैसी थी मेरी सज़ा, कैसी थी मेरा आज़ाब। इसी तरह वकदालिका, ये तो दुनिया की आज़ाब थी कि जिन कुफार पर आया, वकदालिका इसी तरह हक ठहर चुका है, कलिमतु रब्बिका, बात आपकी रब की, अललज़ीना, उन लोगों पर, कफ़रु, जिन्होंने कुफर किया है, अन्नहुम अस्हाबुन्नार, कि वो जहन्नमी है, वो दोज़खी है। यानी हो सकता है दुनिया में भी सज़ा हो, लेकिन आखिरत में ये बात पक्की है कि उन लोगों को सज़ा होगी, इन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से वादा है, जो कुफर करेगा वो जहन्नमी है। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, वो परिश्ते जिन्होंने अर्श उठाया है, उठाया हुआ है, वमन हौलहु, और जो अर्श, अर्श के इर्द गिर्द है, यसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह करते हैं, बिहम्द रब्बिहिम, अल्लाह की तारीफ़ के साथ साथ, यानी अल्लाह तबारक व ताला की, अपने रब की तस्बीह व तारीफ़ करते हैं, तहमीद करते हैं, वयुमिनूना बिही, और अपने रब पर ईमान रखते हैं, वयस्तग़फिरूना, और गुनाह बख्शवाते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनू, जिन्होंने ईमान लाया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो परिश्ते अर्श उठाए हुए हैं, या जो परिश्ते अर्श के इर्दा गिर्द है, वो अपने रब की तस्बीह भी करते हैं, तहमीद भी करते हैं, अपने रब पर ईमान भी रखते हैं, और जो मोमिन लोग हैं उनके लिए तलब मग़फ़िरत भी करते हैं, उनकी गुनाह भी बख्शवाते हैं। अर्श को अभी, अर्श को चार परिश्तों ने उठाया हुआ है, क़यामत के दिन अर्श को आठ परिश्ते उठाएंगे, और अर्श के इर्दागिर कितने परिश्ते हैं उनकी हिसाब लाखों में है, जो सब बांध कर खड़े हुए हैं अर्श के इर्दागिर। ये परिश्ते क्या करते हैं, या अपने रब की तस्बीह करते हैं और तहमीद करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ें बयान करते हैं, अपने रब पर ईमान भी रखते हैं, और जो लोग मोमिन हैं उनके गुनाह भी बख्शवाते हैं। ये काम तो या उनका फितरी है कि जो मोमिन है उनके लिए दुआएं करते हैं, या इनका, इनको अल्लाह ने ये काम सुपुर्द किया है कि दुनिया में जो मोमिनी लोग हैं उन लोगों के लिए दुआएं किया करें। कौन सी दुआएं किया करते हैं? ये फरिश्ते कहते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, वसियात, पहला दे कुल, वसियात पहला हुआ है, शामिल है, कुल शय, इन हर चीज़ को, रहमतन, तेरी रहमत, व इल्मन, और तेरा इल्म, फ़ख फिर बख्श दे लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ताबू, जिन्होंने तोबा किया है, वत्तबाउ सबीलका, और तेरे राह पर चलते हैं, वक़ीहिम, और बचा उन लोगों को, अज़ाबल जहीम, जहन्नम के आज़ाब से। एक तो ये दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, तेरी रहमत हर चीज़ को शामिल है, तेरा इलम भी हर चीज़ को शामिल है, यानी हर जो चीज़ है दुनिया में तेरी रहमत से कायम है, और दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सब का इलम आपको है,
उन लोगों को जिन्होंने तोबा किया है और तेरे रास्ते पर चलते हैं उनको बख्श दे और उनको जहन्नम के आज़ाब से बचा। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, व अदखिलहुम और इन लोगों को दाखिल कर, जन्नातिन जन्नतों में, आदनिन हमेशा रहने के, अल्लती वादतहुम जिनका तुमने वादा किया है इन लोगों से। बार बार कुरान अज़ीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने यही वादा किया है कि जो ईमान लाएंगे और आमाल सालिहा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत देगा। तो फरिश्ते भी ये कहते हैं कि अल्लाह इनको उन जन्नतों में दाखिल कर दे जो हमेशा बसने की जन्नत है, हमेशा रहने की जन्नतें हैं, और जिनका आपने इन मोमिनी से वादा भी किया है। वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो लायक है या जो नेक है, मिन आबाइहिम इनके बाप दादाओं में से, इनके वालिदैन में से, व अज़वाजिहिम और इनके बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम इनके औलादों में से, यानी उनको भी जन्नत में दाखिल कर दें। तो फरिश्ते ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर दे जिनका आपने इनसे वादा किया था जो हमेशा रहने की जन्नत है। और जो लोग जो इनके माँ बाप में से है, वालिदैन है, या इनके बीविया है, या शोहर है, खाविंद है, या इनके अवलाद है जो इसके लायक है, इनको भी इनके साथ जन्नत में दाखिल कर दे। उलमा फरमाते हैं मनसलहा से मुराद क्या है, कहते हैं मनसलहा से मुराद ईमान है, यानी जो लोग महज ईमान रखते हैं लेकिन जन्नत में इनके साथ रहने का हक नहीं रखते हैं, इतने अच्छा माल नहीं किए हैं, फिर भी बेटे की वजह से या बाप की वजह से या औलाद की वजह से या बीवी की वजह से या खावन की वजह से इनको भी बस इनके बदौलत इनके साथ रहने दो। रिवायत में है कि किसी शख्स को जन्नत में बहुत अच्छा मकाम मिलेगा, बहुत बुलंद व बड़ा दर्जा उपाय मिलेगा। जन्नती जब वहाँ दाखिल होगा तो देखेगा, ए मेरे भाई किधर है, मेरी बहने किधर है, मेरा माँ बाप किधर है, मेरी बीवी किधर है, मेरे बच्चे किधर है। तो इसे कहा जाएगा कि उन्होंने इतना अमल नहीं किया कि इस दर्जे तक उनकी पहुंच हो सके। तो ये कहेगा कि नहीं, उनके बिना मेरा दिल नहीं। अल्लाह इसके आवाल के बदौलत इनके रिश्तेदारों को भी इस मकाम और दर्जे में दाखिल करेंगे, बशर्ते कि वो ईमान रखते हो। ईमान के बगैर ये मुमकिन नहीं, महज़ ईमान रखना इसके लिए शर्त है। मनसलह से मुराद ये जो इसके लायक है, यानी जो ईमान रखते हैं, फिर आमाल अगरचे उसके बुरे, आमाल अगरचे कम, लेकिन ये खुश नसीबों का काम है। इस पर इंसान को एतमाद नहीं करना चाहिए कि मेरा बाप अच्छा है इसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊँगा, मेरा बेटा अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है। मैं खुद मुमकिन हो तो खुद अमल करनी चाहिए, लेकिन नेक लोगों के साथ अच्छाई करना चाहिए ताकि जन्नत में ऐसा आखिरत में ऐसा मौका मिले कि उनकी बदौलत आपको भी अच्छा मकाम हासिल हो। इसलिए दुनिया के आम मोमिनीन ये करते हैं कि उलमा के साथ, हुफाज़ इकराम के साथ, मुफ्तियान इकराम के साथ, तुलबा के साथ, अल्लाह के दीन सीखने वालों के साथ, अल्लाह के राह में चलने वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, अच्छे जो है उनके ख्याल रखते हैं। वो ये ख्याल करते हैं कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इनकी बदौलत हमें भी जन्नत में दाखिल कर दें। तो इस आयत से मालूम होता है कि ये मुमकिन है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू है ज़बरदस्त ज़ात, हकीम हिकमत वाला ज़ात है। ये सारी दुआएं फरिश्ते कहेंगे। एक और दुआ करेंगे फरिश्ते, वक़ीहिम बचाओ इन मोमिनीन को अस्सय्यात बुराइयों से। मुराद इससे क़यामत के दिन की सख्तियाँ है। क़यामत के दिन वो भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होगी, लेकिन जहन्नम की सख्तियों से उसकी सख्ती कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो फरिश्ते अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि इन मोमिनों को आखिरत की तकालीफ से बचा। वमन तकी सय्यात, वमन और जिस शख्स को तकी आप बचाए अस्सय्यात बुराइयों से, योम ए दिन उस दिन, यानी मुराद इससे क़यामत का दिन है, फ़कद रहमतहु तो आपने उस पर रहम किया, आपने उस पर रहमत नाजिल की, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम ये बड़ी कामयाबी है। कि क़यामत के दिन आप जिसको सख्तियों से बचाए ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी मुराद पानी है।